ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जिला झुंझुनू राजस्थान से उन अभ्यर्थियों का अभिनंदन करता हूँ जो बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती 2021 की हमारे यहाँ पर जो तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के कुल 14 वाहन हैं, उन सभी वाहनों से आपको जो है अलग एक बिहार पुलिस में टी ड्राइविंग ऑप्टिकल लेते हैं, नैट लेते हैं। एट के अलावा हम सभी प्रकार के ऑप्टिकल यहाँ पर सिखाते हैं। अभी जो हमारे यहाँ पर जो है बैच चल रहे हैं, उन बैच के अंदर आए हुए अभ्यर्थियों से आपका जो हमें परिचय करवाता हूँ। आपका क्या नाम है? प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार। प्रकाश कहाँ से आए आप? बिहार से, औरंगाबाद गांव से। मैकपुर गांव से। तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बिहार से हम राजस्थान में सीखने के लिए आए हैं और वो हमारा घर था, ये प्रदेश है, ऐसा महसूस हो रहा है का? नहीं सर, यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है। अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो अच्छे में कोई दो चार अच्छी जो है जो अच्छा मिल रहा है तो अच्छी की कुछ बातें बताइए। जी, यहाँ पे गाड़ी के अच्छी सुविधा है, अच्छा टाइमिंग है, अच्छे अच्छे यहाँ टीचर लोग हैं। अच्छा टीचर लोग हैं, तो जो आपको उस्ताद हैं, वो उस्ताद जो आपको जो ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको कितने प्रकार के ऑप्टिकलों के अंदर गाड़ियाँ चलवाई देती हैं? लगभग पूरे सारा, मतलब लगभग 7 से 8 ऑप्टिकल। 7 से 8 कोई दो या तीन का नाम बताओ जी। एल है सबसे पहले, तो एल आती है, उसके बाद एट है, एच है, और सारा मैंने टी है। अच्छा टी है, एल है, एच है, जेड है, इन सब ऑप्टिकल से हमें यहाँ पर जो है तैयारी कराते हैं। तो प्रकाश आपको यहाँ जो आपको फिजिकल की ट्रेनिंग का आपका क्या मैनुअल रहता है? जी सुबह 5 बजे जगना है, ग्राउंड जाना है, उसके बाद दौड़ कर आना है, दौड़ के आने के बाद 6 बजे यहाँ पर ग्राउंड में आ जाना है गाड़ी सीखना। 6 बजे से कितने बजे तक? 6 से 12:30, 1 बजे तक गाड़ी यहाँ सिखाई जाती है सुबह मॉर्निंग में, और उसके बाद शाम में 3:30 बजे से 7:30 बजे तक यहाँ पर। तो आपने बोला सुबह 6 से 12:30 बजे तक यहाँ पर गाड़ियाँ सिखाई जाती है, तो यहाँ का जो राजस्थान का टेम्परेचर 40 से ऊपर ही रहता है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में आपको गर्मी महसूस होती है या नहीं होती? हौसले के सामने गर्मी महसूस नहीं होती। सवा से एक बार जोर से तालियां बजाइए। हौसले के सामने गर्मी महसूस नहीं होती, और इनका चेहरा देखिए, इन स्टूडेंट्स का दिन भर धूप में रहते हैं, पर इनके सामने एक ही टारगेट है कि बिहार पुलिस का बहाली, सिर्फ और सिर्फ बहाली। तो दोस्तों यदि आप भी ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं तो जरूर आइए, पर प्रकाश के लिए जोर से एक बार जोर से तालियां बजाइए। आपका क्या नाम है? रमेश मिस्त्री। जोर से बोलिए। रमेश मिस्त्री। रमेश मिस्त्री, आप कहाँ से आए हैं? जहानाबाद जिले के घोसी ब्लॉक से, रामगंज गांव से। घोसी ब्लॉक के रामगंज गांव से आए हैं। आपको कैसे पता चला कि अभिनव ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिया जाता है? यूट्यूब के माध्यम से पता चला। यूट्यूब के माध्यम से आपको पता चला, तो जो यूट्यूब पर देखा था वैसा ही मिला या उससे कुछ ज्यादा आपको यहाँ मिला? सर उससे बहुत बढ़िया ही मिला। बढ़िया में जैसे? सर गाड़ी अधिक मात्रा में चलाने के लिए मिलता है सर। हाँ। गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ। खाना पीना की भी सुविधा अच्छा है सर। मतलब आपको लग रहा है कि उसी प्रकार का खाना जो आपको बिहार में दिया जाता है उससे मिलता जुलता, और उसी प्रकार का जो है रहन सहन और उसी प्रकार का एक माहौल यहाँ पर जो है पैदा कर दिया जाता है जो आपके वहाँ पर रहता है। तो दोस्तों हमारे पास हर स्टेट के बच्चे आते हैं हर प्रकार के ड्राइविंग भर्तियों के अंदर, तो आप यदि बिहार पुलिस की ड्राइविंग की भर्ती देखना चाहते हैं तो अवश्य एक बार अभिनव ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आए। आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल कुमार। राहुल कुमार, आप कहाँ से आए? आप यहाँ पर जो ट्रेनिंग के लिए, आपको कैसे पता चला कि अभिनव ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिया जाता है? हम यूट्यूब के माध्यम से यहाँ आए। अच्छा यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर आए हो, तो जब यूट्यूब के माध्यम से आप वहाँ से चले थे तो आपको बिल्कुल घबराहट तो नहीं हुआ? नहीं, हम पहले सोच रहे थे कि क्या होगा, नहीं होगा, फिर यहाँ आए तो हमको अच्छा महसूस हुआ। अच्छा जब आप वहाँ से पहले चलने से पहले ये सोच रहे थे कि वहाँ क्या होगा या नहीं होगा, और फिर यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? यहाँ का माहौल अच्छा लगा, फिर यहाँ पर लीलू सर बहुत अच्छा सा सबसे बेस्ट तरीके से उसने हमको एल ऑप्टिकल सिखाया, और एल ऑप्टिकल सीखने के बाद लगता है कि सब ऑप्टिकल उसने हमको बात से ही सिखा दिए। अच्छा आप ये बताइए, जो आपको ऑप्टिकल सिखाए गए थे उन ऑप्टिकल में बिहार में तो लड़का लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ घुसा है कि मुंडी बाहर निकाल के जो है गाड़ी लगाना, आपने जो ऑप्टिकल में जो आपको गाड़ी सिखाया गया बिल्कुल यातायात के नियम के अनुसार, जिससे कि आप चालक दक्षता प्रशिक्षण के दौरान बेहतर नंबर ले सके, वो आपको किस प्रकार से गाड़ी सिखाया गया? यहाँ पे जितना भी ऑप्टिकल है सभी ऑप्टिकल में शीशे को देख के गाड़ी चलाने के लिए यहाँ पे बताया जाता है और सिखाया जाता है। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ मिरर और जो यातायात के नियम है उसी के अनुसार सिखाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग भारत सरकार से मान्यता प्राप्त और राजस्थान
सरकार के परिवहन मंत्रालय के अधीन चलने वाला देश का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर है, जो सिर्फ योग्य प्रशिक्षकों के द्वारा यातायात के नियमों के अनुसार यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आप जो गाड़ियाँ जो चला लेते हो मिरर में देख के सारी गाड़ी निकाल लेते हो आप जी, तो उसमें आपको बिल्कुल झिझक तो नहीं होती? नहीं, कोई झिझक नहीं, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि वहाँ पे भी हम 3 गियर में ही निकाल लेंगे और शीशे में देखते हुए हम निकाल लेंगे। चलो शाबाश, एक बार जोर से तालियां बजाएं। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। तो धर्मेंद्र, आपको यहाँ गर्मी तो नहीं लगती ज़्यादा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि अभी दिन भर आपको 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा लू चलती है राजस्थान में, उसमें आपको यहाँ ट्रेनिंग की जा रही है, तो महसूस तो नहीं हो रहा है? क्योंकि दोस्तों हौसले के सामने अग्नि के हर उबलते अंगारे भी जो है पिघल के पानी बन जाते हैं यदि आपके अंदर हौसला और जुनून हो, और ये तभी संभव होगा जब आपको कोई हौसला दिलाने वाला हो, और उसके लिए आप सिर्फ अभिनव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को ही चुने। और आप यदि प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो एक बार अवश्य आएँ। तो प्रकाश, आपको जो यहाँ पर PT टेस्ट की और सभी प्रकार की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाती है, उसके दौरान इंडोर क्लासेस के बारे में आप क्या बताना चाहते हो? जो पाठ पुर्जे की क्लास होगी, थ्योरेटिकल के बारे में आप क्या बताना चाहते हो? यहाँ पर 1 घंटे के दोपहर में क्लास चलती है। हाँ। वो सब जितना भी गाड़ी का पार्ट सोर्स है हाँ। उसके भी तैयारी किया कराए जाते हैं। आपने क्या क्या सीख लिया है पाठ पुर्जों के बारे में? पहले क्या जानते थे या नहीं जानते बताइए? पहले तो मैं उतना नहीं जानता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही पासपोर्ट। जैसे मान लो आप कल बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में पदस्थ हो गए और किसी एक थाना से दूसरा थाना में आप गाड़ी आपकी खराब हो गई, क्या आप उसको खुद ठीक करके लेके आ सकते हो? जी सर, बिल्कुल एकदम सर। ओ, ठीक करके लेके आ सकते हो? जी सर। ये सब चीज़ आपने यहाँ सीखा है, जो थ्योरेटिकल आपको जो लिखाया जाता है और उसी प्रकार से आपको जो प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं, तो आपको कितना समझ में आता है? बहुत ही, मुझे ये लगता है कि मैं अगर कहीं भी मेरे थाने में गाड़ी खराब होती तो उसे ठीक करके मैं। ये बहुत बड़ा बात है कि हम यहाँ पर इतनी बेहतर ट्रेनिंग देते हैं कि आपका चयन यदि बिहार पुलिस में हो गया, तो अभ्यर्थी ने बताया कि उसके थाने में यदि उसकी गाड़ी खराब हो गई तो उसको स्वयं ही ठीक कर लेगा, किसी मैकेनिक के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक बार जोर से तालियां बजाइए इसके लिए। आपका क्या नाम है? दीपक कुमार। जोर से बोलिए दीपक कुमार। यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, ये इंसान का जोश बोलता है, मतलब बच्चों के अंदर एक हम ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं खुशी का कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो है कटिंग, हेयर स्टाइल और खुशी रहना आपस में, क्योंकि जो जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं वो मकसद पूरा हो रहा है, तो खुश होंगे या क्यों नहीं होंगे? तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा, मतलब जैसे कि हम यहाँ 0 ओवर से तैयारी करने आए थे। हाँ। कुछ नहीं आता था, गाड़ी क्लच में ब्रेक किया है। हाँ। यहाँ 2-4 दिन में मेरा सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ। आज मेरा लगभग 18 दिन हो रहा है। हाँ। मेरा कॉन्सेप्ट 14 से 13 दिन में ही हो गया, मतलब बिल्कुल सब। उसमें आपको जो है हैवी गाड़ियों के अंदर कौन कौन सी गाड़ी चलाने के लिए? 407। हाँ। बस। हाँ। बस बस भी चलाने के लिए दिया? बस दिया। कौन कौन सी ऑप्टिकल में बस चलाया? बस में एल। हाँ। एल और एट के अंदर बस चलाया। STM भी चलाया। STM मतलब 11.09 गाड़ी भी जो है आपने यहाँ पे चलाई। छोटी गाड़ियों में कौन सी गाड़ियाँ चलाई? छोटी गाड़ियाँ बलोरो, इंडिया, स्कॉर्पियो, जिप्सी, कमांडर, ये सब गाड़ियाँ आपने जो है पिकअप यहाँ पे चलाई। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप जो है आप अवश्य एक बार अभिनव ट्रेनिंग सेंटर में जोर से तालियां बजाएं। आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार सिंह। अभिषेक कहाँ से आए हैं? बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आयो। वैशाली किस लिए प्रसिद्ध है बिहार? वैशाली गौतम बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, श्री अपने गौतम बुद्ध जी के लिए वैशाली प्रसिद्ध है, और ये जो है वैशाली की पावन जमीन या पावन मिट्टी में, और या वहाँ से यहाँ पर आए हैं जो प्रशिक्षण ले के लिए। ऑटोमेटिक ही जो है ज्ञान की एक भूमि है, वहाँ से जब प्रशिक्षार्थी यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। देश के अलग अलग कोने से हर प्रकार की भर्ती के अंदर हमारे पास अभ्यर्थी आते हैं। तो दोस्तों आप बताइए, यहाँ आपको कैसे पता चला कि ट्रेनिंग के लिए मुझे बिहार से अभिनव ट्रेनिंग सेंटर में जाना चाहिए? सर, एक 2018 बैच में मेरा एक भाई था गूगल का। अच्छा। उसका सिलेक्शन यहीं से बिहार पुलिस ड्राइवर में। अच्छा। भाई हमको इधर बताया कि आपको परफेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। हम जब आए हैं बहुत अच्छा लगा है और अच्छा ट्रेनिंग का सुविधा मिल रहा है। अच्छा, 2018 में आपके बगल का जो भाई या बाली हुआ था, क्या नाम था उसका? अमित। जो अमित का बाली हुआ था, उसने आपको बताया कि वहाँ ट्रेनिंग ले लो। आपने उसे जुबानी सुना कि वहाँ ट्रेनिंग ले लो, और आपको यहाँ आने के बाद क्या वो सच्चाई हकीकत में कैसे बदलती गई, थोड़ा बयान करिए। सच्चाई हकीकत बदलती, सबसे पहले यहाँ गाड़ी की उत्तम व्यवस्था है। गाड़ी अच्छे से, सब गाड़ियों से, सब ऑप्टिकल में
तैयारी कराया जाता है। यातायात के नियम के अनुसार कराया जाता है या मुंडी बाहर निकालिए? नहीं सर, इसमें मिरर देख के ही तैयारी कराया जाता है। मिरर के माध्यम से गाड़ी निकालते हैं, सभी ऑप्टिकल में गाड़ी कराया जाता है। अभी आप ये बताइए, एक आदमी मिररवा से जो है टेस्ट देगा और एक मुंडी बाहर निकाल के टेस्ट देगा, तो इससे पहले आप क्या सोचते थे, अभी क्या सोचते? सर, मिरर में देखने से हमको बहुत अच्छा फीलिंग होता है, देखने से ये है कि अच्छा ऑप्टिकल में गाड़ी लग जाता है, सेफ से अच्छा। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बार आपका क्या नाम है? अभय सिंह कुशवाहा। कहाँ से आए? बिहार के छपरा जिला से। बिहार के छपरा जिला से। छपरा का क्या पसंद? छपरा का गंगा नदी वहाँ से। हाँ, मतलब गंगा जी वहाँ से। छपरा में सोलपुर में मेला लगता है, पशु का मेला लगता है। देखिए, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और ये हमारी वीडियो जो है देखते हैं, तो हम यहाँ पर जो है गंगा मैया का जहाँ से निकलती हैं उस क्षेत्र में सोलपुर का मेला आज पूरे देश में प्रसिद्ध है। वहाँ तक के अभ्यर्थी आप यहाँ तक जो आते हैं, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, देश के अंदर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के मामले में नंबर वन अभिनव ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही आप एक बार जो है प्रशिक्षण लें। तो आप बताइए, आपको यहाँ कैसा मिल रहा है सीखने के लिए? सर, हम तो पहले घर पर गाड़ी चलाते थे, लेकिन यहाँ आए तो हमें लगा कि हमारे अंदर कुछ कमी है। अच्छा, तो लीलू सर हमको पूरा तरह से अच्छा से बेसिक रूप से सिखाए, तब हमको कमी फील की। फिर हम बार बार मुंडी बाहर निकाल के गाड़ी चलाते थे, मिरर का हमें बार मुंडी बाहर करके निकालते थे, मिरर का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं था, तो आपको मिरर का एक्सपीरियंस कैसे सिखाया गया, आप थोड़ा बताएं। बार बार मुंडी बाहर कर देते थे, तो नीलू सर है यहाँ का ट्रेनर, हम यहाँ जो प्रशिक्षण देते हैं विंडो का शीशे बंद करने करके जो बच्चे को यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जाता है सिर्फ और जो यातायात के नियम के अनुसार, जिससे कि टेस्ट के अंदर अभ्यर्थी बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाकर अपनी बारी पास के। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, यदि दोस्तों आप बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर का प्रशिक्षण लेना चाहते हो, तो आप अवश्य एक बार अभिनव ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आएँ। हमारे यहाँ पर अभी DSSP फायर ऑपरेटर के बैच चल रहे हैं और वार कॉलेज, इंडियन वार कॉलेज मऊ के बैच चल रहे हैं, बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर के बैच चल रहे हैं, NTPC के बैच चल रहे हैं, ऑल इंडिया की कोई भी मोटा मोटा जो भर्ती होती है उसके बैचेज हमारे यहाँ पे चलते हैं। कुल 70% सिलेक्शन अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट्स का ही होता है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग सेंटर आज 8 साल से लगातार सिर्फ ड्राइवरों की भर्ती का ही प्रशिक्षण देता है। आज हमारे यूट्यूब परिवार में जो है 90,000 के आसपास सब्सक्राइबर, एक वीडियो 11 मिलियन व्यूज है उसके ऊपर। तो दोस्तों, ये पूरे देश के युवाओं का हम पर विश्वास और हमारी कड़ी और युवाओं की कड़ी मेहनत और हमारे मार्गदर्शन इससे उस काम तक पहुंच पाते हैं। शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।